राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से मैं लाइव क्विज क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि हुआ करेंगी 12 बजे। ठीक है, तो आप सभी 12 बजे लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पर आपके लिए लाने वाली हूँ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो सके। तो इसलिए 12 बजे आप सभी लाइव आना मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका बेसिक क्या होता है, और साथ ही उसको उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए इजी ट्रिक बताई थी। तो वहाँ पर जो वीडियो उसने किसी ने नहीं देखी तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसका बिल्कुल बेसिक से हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और साथ ही मैं इसको इसके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक इसके अंदर बताऊंगी, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही बिल्कुल 30 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता है कि हमने कोई भी अपना, जब कोई हम पैसा निवेश कर रहे हैं, यानी कि हम कोई भी अपना जब मूलधन लगा रहे हैं, मूलधन क्या होता है, देखिए मूलधन होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मूलधन है वो है 1000 रुपये। ठीक है, तो जब हम 1000 रुपये इसको कहीं निवेश करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 रुपये के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो साल में केवल एक ही बार लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल मिलता है हमें सिर्फ एक बार, साल में 2 या 3 बार हमें ब्याज नहीं मिलता, वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम होता है, यानी कि मान लीजिए कि अगर 4% के दर से हमारा जो ब्याज है वो हमें मिल रहा है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का कितना बना, 40%। ठीक है, तो हर साल जो है, सॉरी 40 रुपीज़, तो हर साल जो है वो हमारा 40 रुपये ही वहाँ पर हमारा जो ब्याज है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब ब्याज हमारा इसके अंदर बढ़ता नहीं है, कि ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ नहीं लगता, ये सिंपल इंटरेस्ट है। जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वही हमारा हर साल सेम रहता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल था वो 1000 रुपये था, ठीक है, उसके बाद 1 साल का ब्याज मिला 40 रुपये, तो अगले साल का जो मूलधन हो जाता है हमारा वो हो जाता है 1040 रुपये। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो हमारा हर साल सेम होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब हम भी मान लीजिए कि हमने परसेंटेज में सीखा था कि हमारा कोई कोई पैसा है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर अगर हमें 4% वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसे कैसे निकालते थे, 1000 का 4% अगर बढ़ गया तो हम क्या करते थे, उसका सीधा 104% हम निकाल देते थे। ठीक है, 104% निकाल दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1040 रुपये, यानी कि 1 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, 1040 रुपये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो थी बात 1 साल की। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हम पैसा निवेश कर रहे हैं तो वो हम 1 साल के लिए तो करेंगे नहीं, है ना, तो अगर हम देखें कि हमें टाइम हमारा 5 साल है, कि हमें 5 साल बाद उसी दर से यानी कि 4% की दर से हम 5 साल बाद देखें तो हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम RT को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, RT मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 5 और 20, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P into R into T upon 100। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P into RT%, है ना, तो वही हमने किया है अभी, P into RT%, यानी P का 20% सीधा हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 1000 का 20%, वो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 200 रुपये।
ठीक है, सीधा ही हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 200 रुपये। अब ये तो हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर हमें अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालने के लिए, मिश्रधन क्या होता है हमारा, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना, या फिर पी प्लस पी का RT%, यही होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल पी प्लस पी का RT% हम निकाल चुके थे सिंपल इंटरेस्ट, या तो हम सीधा इसमें ही प्लस कर देंगे, या फिर पी प्लस हम जब परसेंटेज में निकालते थे तो हम क्या करते थे, जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है हम सीधा वहाँ पर उतना ही परसेंट निकाल देते थे, है ना। जैसे कि अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो सीधा उसका 120% निकाल देते थे, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर हमारा 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम अमाउंट को यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे सीधा पी का 120%, यानी कि पी क्या था 1000, तो उसका 120% हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, ये आ गया हमारा 1200, ठीक है, सिंपल 1200 रुपये। अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से जाते तो हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता, ठीक है, उसके बाद हमें उसके अंदर प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ता, तब जाके हमारा अमाउंट आता, है ना। लेकिन हमने क्या किया, सीधा ही उसका 120% निकाल दिया, क्योंकि 5 साल में वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 5 साल में वो 20% ही तो इंक्रीज़ हो रहा है, 5 चौका 20, है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, सीधा ही उसका 120% निकाल दिया और सिंपल हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि कोई वस्तु है, सॉरी कोई भी धनराशि है, ठीक है, यानी कि कोई भी हमें प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, और कहा जा रहा है, प्रिंसिपल हमें दिया नहीं गया, बस ये कहा जा रहा है कि कोई भी धनराशि है वो 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हमारा अमाउंट क्या होता है, हमारा मिश्रधन क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है ना हमारा अमाउंट, है ना। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है, देखिए मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि कोई चीज़ है, कोई धनराशि है, वो 3 वर्ष में, हमें टाइम दिया गया यहाँ पर 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको एन मान लेते हैं, दोगुनी हो गई यहाँ पर, ठीक है, दुगनी हो गई, तो हमें वो निकालना है, हमें रेट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो गया हमारा, दुगना हो गया, हमें पता है कि हमारा अमाउंट दुगना हो गया, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी इंटू एन, ठीक है, क्योंकि दुगना हो जाएगा यहाँ पर पी इंटू एन, उसके बाद यहाँ पर पी आ गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, तो यहाँ से पी कट गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ओके। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 इंटू एन माइनस 1, 1 इधर चला जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में टी या आर आप कुछ भी लिख सकते हो, इंटरचेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेट निकालना है, तो हम आर को यहाँ लिख लेंगे और टी को नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर आर निकालना है, अगर टाइम निकालना होगा तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, टी यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए कि हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, रेट निकालने का हमारा कितना आसान सा फॉर्मूला बन गया, जिसको पुट करके हम 1 मिनट या 30 सेकेंड से भी कम में हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, रेट का फॉर्मूला बन गया हमारा, देखिए रेट का फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ पर, आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एन क्या दिया गया है, हमारा एन दिया गया यहाँ पर 3 वर्ष, 3 माइनस सॉरी 2 दुगनी हो रही है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन टी, यानी कि 3, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 अपॉन 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 और इंटू 100 अपॉन 3, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद 3.333, इसका कुछ इस तरीके से हमारा जो है रेट परसेंट आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम रेट और टाइम को भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं,
चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि बेसिक जो था वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12,000 रुपये निवेश करता है, 5% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपये हमारा हमारा प्रिंसिपल हो गया कि क्योंकि 12,000 रुपये निवेश कर रहा है, ठीक है। और रेट जो दी गई है यहाँ पर 5% की दर से, साधारण ब्याज की दर से वो निवेश कर रहा है, और टाइम दिया गया है हमारे पर 4 वर्ष, तो वो राशि कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद। सिंपल ये पूछा गया, यानी कि हमारा क्या पूछा गया यहाँ पर, अमाउंट पूछा गया, यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट का निकालने के लिए सीधा कितना करेंगे, 5 जो कितना हो गया 20 हो गया, 20%। तो सिंपल हम अमाउंट का सॉरी प्रिंसिपल का 20% निकाल देंगे, ठीक है। ये कट गया हमारा, ये कितना आ गया 12 दुनी आ गया हमारा 24, ठीक है, यानी कि 2400। एक सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन करवा दिया एक तरीके से, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है। हमें वार्षिक बतानी है, वार्षिक दर बतानी है, यानी कि रेट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n-1 × 100/t, यही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वयं की दुगनी हो रही है वो, तो 2-1 × 100/3, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हो गया सेम, 100/3, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.33%, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है, वार्षिक दर बताएं। यानी देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही है, जो राशि है वो 7/6 गुना हो रही है, तो हमें वार्षिक दर बतानी है, ठीक है। तो हमें एन क्या दिया गया है यहाँ पर, 7/6, ठीक है। और जो टाइम दिया गया है वो हमें दिया गया है 3 3 वर्ष, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें रेट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सिंपल रेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n-1/t × 100, ठीक है, 7/6 − 1/3 × 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/18 × 100, यानी कि 100/18, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 100/18 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ, देखिए कर लीजिए सॉल्व, 2 × 18 2 × 5 = 10, यानी कि 50/9, 50/9 यानी कि 5.55%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, समय दिया गया है, सॉरी समय नहीं दिया गया, समय पूछा गया है यहाँ पर, हमें टाइम हमें यहाँ पर पूछा गया है, और रेट दिया गया है हमें यहाँ पर 8%, ठीक है। और मूलधन क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 2/5, ठीक है। तो देखिए ब्याज दिया गया, सॉरी ब्याज दिया गया यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया यहाँ पर 2/5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल वो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, टी निकालना है तो उसको इंटरचेंज करके आप वहाँ से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो तो आप सभी को पता है, यहाँ पर आपको एक तरीका और बता देती हूँ जिससे कि आपको कई कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ब्याज बताया गया है 2/5, तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 किसका ब्याज है, ये 2/5 ब्याज है, तो किसका ब्याज, किसके ऊपर ब्याज लग रहा है, ब्याज लग रहा है हमारे मूलधन के ऊपर,
है ना। ब्याज जो लग रहा है वो हमारे मूलधन के ऊपर लग रहा है, यानी कि 2/5, यानी कि जो ब्याज है वो हमारे मूलधन के ऊपर लग रहा है। तो जो ये पाँचवा हिस्सा हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, मूलधन का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पी कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। और इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 2, है ना। तो देखिए कितना आसान बन गया क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा 2 5, आर कितना दिया गया हमें 8, उसके बाद टी यहाँ पर हमें निकालना है और अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/40, 4 5 20, यानी कि जो हमारा टाइम आ गया वो कितना आ गया, टाइम आ गया हमारा 5 वर्ष। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो देखिए कितना इजी बन गया इस तरीके से। तो आप अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको बताया गया हो कि जो मूलधन ब्याज है वो मूलधन का इतना हो गया, मतलब 2/5 हो गया या इतना, मतलब कुछ हो गया, तो आप वहाँ से भी इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ठीक है, तो कितने वर्षों में उसी दर से 2 गुना हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज लग रही है दर और 20 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। ठीक है, और तो पूछा गया है कि वो कितने वर्षों में 2 गुना होगी, ये पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 15 सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 20/ आपको निकालना है, यहाँ पर हमें नहीं पता तो t2 आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपने n-1 लिखना है, यानी कि n-1 यानी कि 3-1 जब आप लिखेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी n-1 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका वज्रगुणा करना है, यानी कि 20 आ गया, 20/t2 जो है 2t2 हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ से अपॉन में चला जाएगा, 20/2, यानी कि इजीली जो पता चल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा t कितना आ जाएगा, 10, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 10 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए ये हुआ किस तरीके से, इसका कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, कितना आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ से देखिए कितना 10 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आसानी से यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो हमारी 2 गुना होगी वो 10 वर्ष में होगी। ठीक है, लेकिन इसका मैं बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आप ये ना सोचे भाई ये किस तरीके से आया। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि हमें रेट जब निकालना होता है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम n-1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे n1-1 × 100/t1। ठीक है, उसके बाद अपॉन n2-1 × 100/t2, इसी से हमारी जो दर है वो निकलेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें रेट निकालना है, तो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आर लिख लेंगे। ठीक है, तो आर तो हमारा सेम ही है, तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, 100 से 100 कट गया। ठीक है, आर से आर कट गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, सिंपल n1-1 और n2-1, सिंपल यही बचा यहाँ पर हमारा, n1-1 और n2-1 यही बचा ना। तो सिंपल वही बात आ गई दोबारा यहाँ पर, मैंने यही तो आपको करवाया था अभी कि n1-1 कर दो और n2-1 कर दो और उसके बाद उसको वज्र गुणा करके मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल दो, यही चीज़ मैंने आपको कराई थी, तब आपको इजीली समझ में आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, ठीक है, 10 वर्षों में कितनी हो गई, 10 वर्षों में 4 गुना हो गई। ठीक है, तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, अब यहाँ पर पूछा गया 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को भी सिंपल उसी तरीके से करेंगे, लिखेंगे 10/15। ठीक है, n-1 यानी कि 4-1 कितना हो जाएगा, 4-1 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, 3, उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने गुना हो जाएगी, कि n लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको, उसके बाद हम वज्र गुणा कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 10n/15
45, ठीक है, n इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये n है ये हमारा कितना आ गया, 4.5 आ गया यहाँ पर, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ये पहले से ही माइनस वन है ना, माइनस वन करके लिखा हुआ है हमने यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करके लिखते हैं, माइनस वन करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो यानी कि हमारा जो एन आएगा वो कितना आंसर आ जाएगा, 5.5 गुना, यानी कि 5.5 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी, 5.5 गुना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष में क्रमशः 8,000 और 8,500 हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज दर बतानी है हमें यहाँ पर, तो देखिए कोई यहाँ पर क्या बताया गया, हमें गुना नहीं बताया गया कि इतने गुना हो गई या इतने गुना हो गई, हमें यहाँ पर बताया गया है कि 4 वर्ष में तो हो गई 8,000, ठीक है, और 5 वर्ष में हो गई 8,500, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये चार वर्ष बाद हमारी ये राशि हो गई और 5 वर्ष बाद ये राशि हो गई, तो हमें पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बिल्कुल सेम लगता है ना। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5वें वर्ष में से जब हम 4थे वर्ष को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा, 8,500 माइनस 8,000, तो कितना आ गया, 500 कितना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का इंटरेस्ट है ये, 1 साल का है ना। तो 1 साल का जब हमारा इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे, 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 500 × 4 यानी कि कितना आ गया, 5×20 यानी कि हमारा 4 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,000 रुपये आ गया 4 साल का, ठीक है। और 4 साल का जो हमारा मिश्रधन था यानी कि अमाउंट था वो कितना था, 8,000। तो जब हम 8,000 में से ये 2,000 माइनस कर देंगे इंटरेस्ट वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा यानी कि पी आ जाएगा, है ना। देखिए जब हमने 8,000 में से हमारा जो 4 साल वाला ब्याज था 2,000 वो माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे ये 6,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें पता चल गया, टाइम भी हमें पता चल गया, ठीक है, सारी चीज़ हमें पता चल गई। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के और सीधा हम ब्याज दर निकाल देंगे यहाँ पर, है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000, पी क्या था हमारा 6,000, आर हमें नहीं पता, टी है हमारी 4 वर्ष, बटा 100 काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 6×6=24, 240, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,000/240 गुना आर, 0 कट गई, ठीक है, उसके बाद 0 कट गई, 2 से काट लेंगे, 100 यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, काटेंगे तो 12×84=96, ठीक है। फिर 4 यानी कि 5×36=12×36, तो कुछ 8.33% इसकी दर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका रेट कितना हो गया, 8.33%, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 6% की दर से कुछ समय में खुद का दुगना हो जाती है, तो समय निकालना है यहाँ पर हमें। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिंपल वही पुट करना है यहाँ पर हमें। जो हमें ब्याज की दर दी गई है वो कितनी है, 6%, ठीक है, और एन क्या है हमारे यहाँ पर, दुगना हो रहा है तो 2 हो गया एन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है हमें यहाँ पर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एन माइनस वन इंटू 100 अपॉन आर, ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2-1×100/6 यानी कि 100/6, ठीक है, काट देंगे इसको हम, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6×6, 6×6=36 और 6×6=36 यानी कि हमारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16.66 ईयर्स, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ पर हमारा जो ये साधारण ब्याज का जो टॉपिक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।